थी कि हम ना जख्मी शेर की तरह हैं, अब जो है वो अब हम लोगों ने उस पर मरहम लगानी है, नमक नहीं लगाना, तो अगले सारे मैचेस हम लोग ही जीतने वाले हैं। और मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है हम जो है वो नाक को चने चुपवाने वाले हैं। इंशाल्लाह हम वो भी जीतेंगे, अपना बदला पिछले वाला जो है ना उसको बराबर करेंगे इंशाल्लाह। कोहली की जो है ना जो थोड़ी सी पोली बोली है, कोहली की सारी बैंड बजा देनी है एक पाकिस्तान ने। हाँ जी, इतना बदला लेना है इंशाल्लाह। इंडिया को शिकस्त का नाम देंगे जिस तरह कल हांगकांग को दिया था, इंशाल्लाह कल इंडिया को भी। समझ ले के प्रेडिक्शन है नजूमिया, जो भी कुछ भी समझना समझ ले, अब पाकिस्तान को भी मैच हारेगा नहीं, सारे हम लोग जीतने वाले हैं। हाँ जी इंशाल्लाह, कश्मीर भी लेंगे हमसे। ठीक है, हमारे शहीन आ रहे हैं, कश्मीर भी लेंगे इंशाल्लाह, मैच भी लेंगे जी। कुछ भी नहीं है सूर्य कुमार यादव, वो खाली आईपीएल में चलते स्लो बॉलर है, हमारे पाकिस्तान वालों के सामना करेगा उसको पता चलेगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा इंशाल्लाह, कल दानी से बॉल मारेगा। इंडिया जरा तेल से लगा के आए, ठीक है, अपने जो के पिनियों को, अपने पट्टों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप जिस तरह से इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानियों ने भारत और पाक की मैच को लेकर बड़ी बड़ी बातें की है, और किस तरह से भारत को एक तरफ का धमकी दे दी है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे, भारत को बुरी तरह से हराएंगे, कोहली को आउट कर देंगे, और तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है वो तो आगे जाके पता चलेगा मैच को लेकर। लेकिन मैच से पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैच के बाद जब पाकिस्तान हारता है तो फिर उनका टीवी टूटना शुरू हो जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, तरह तरह की उनकी हरकत जो इंसानों वाली नहीं है वो करना वो शुरू कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या पाकिस्तानियों का इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन रहता है, और चलिए आखिर तक वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीदें हैं पाकिस्तानियों से। देखें पहला मैच हारे एंड बहुत ज़्यादा हमें जो है वो कह सकते हैं कि दुख हुआ। वो उस दिन भी मैं एक बात करी थी कि हम ना जख्मी शेर की तरह हैं, अब जो है वो अब हम लोगों ने उस पर मरहम लगानी है, नमक नहीं लगाना, तो अगले सारे मैचेस हम लोग ही जीतने वाले हैं। और मुझे बड़ी अच्छी उम्मीद है हम जो है वो नाक को चने चुपवाने वाले हैं। समझ ले कि प्रिडिक्शन है नजूमिया, जो भी कुछ भी समझना समझ ले, अब पाकिस्तान को भी मैच हारेगा नहीं, सारे हम लोग जीतने वाले हैं। देखिए जी, सितंबर का महीना वैसे भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ग्रेट महीना है, 65 की वो आपको याद है, और पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा, एक वलवला देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो पहला मैच हुआ है इसको दिल पे नहीं लेना किसी ने, ठीक है ना। तो अगला जो मैच आएगा 4 को वो कांटे का मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के शाहीन जीतेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे जी जी, ये ना हो हमसे दोबारा बदला ले। नहीं ऐसा नहीं होता, गलतियों के ऊपर अगर वो पर्दा डाल लें और अपनी गलतियों से सीखें तो पाकिस्तान जरूर जीतेगा। पिछला मैच मजेदार हुआ, अच्छा था, टक्कर का मैच था, बड़ा अच्छा जो है वो, बिल्कुल मुकाबला बहुत अच्छा हुआ था। पाकिस्तानी टीम सारी फॉर्म में आ गई, फखर भी आ गया, एक बाबर नहीं आ रहे, इंडियन टीम के लिए कोई खतरा बच गया है, बस कैप्टनसी है, कैप्टनसी में उन्होंने हर एक को लेके चलना होता है, तो बाबर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में आप देख लेना। हाँ जी बिल्कुल, सारे स्कोर के रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बना देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज रिकॉर्ड बना है ना उस दिन भी बनेगा, कल इस पे पड़का दिया, पड़का दिया, 4 को भी बनेगा इंशाल्लाह। अभी देशात इंडिया की टीम पे बैठ गई, पाकिस्तान ने किया गया है। इंडिया टीम के लिए मैसेज दे, इंडिया की टीम के लिए यही मैसेज है कि ये पाकिस्तान के शाहीन है, बच के रहो, टक्कर नहीं लेना। इंशाल्लाह हम वो भी जीतेंगे, अपना बदला पिछले वाला जो है ना उसको बराबर करेंगे इंशाल्लाह। मैच जीतेंगे, आज हमारा मॉरल बहुत बुलंद है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, हमारी बॉलिंग और बैटिंग उस दिन देखना आप, और साफ फील्डिंग, और इंशाल्लाह हम मैच जो है अपना बदला पिछला पूरा पिछले सारे थोड़े दो इंशाल्लाह। इंडिया टीम वास्ते कोई मैसेज दे दियो कि पाकिस्तानी टीम तो बच के रहने के लिए, हम आ रहे हैं बस, हम आ रहे हैं। हाँ जी इंशाल्लाह, कश्मीर भी लेंगे हमसे। ठीक है, हमारे शहीन आ रहे हैं, कश्मीर भी लेंगे इंशाल्लाह, मैच भी लेंगे जी। मिलेगा तो क्या लगता है कैसे मैच होगा, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहिए इसको। दूसरी जानब सूर्य कुमार जो है आजकल चाहे हुए तो लोग बोलते हैं 360 खेलते हैं, तो क्या लगता है खुशदिल शाह और सूर्य कुमार एक जैसे प्लेयर हैं? कुछ भी नहीं है सूर्य कुमार यादव, वो खाली आईपीएल में चलते स्लो बॉलर है, हमारे पाकिस्तान वालों के सामना करेगा उसको पता चलेगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा इंशाल्लाह, कल दानिश से बॉल मारेगा। हम एशिया कप में हमारा बाकी टीमों के साथ इतना चैलेंज नहीं है, इंडिया के साथ हमारा मतलब खुला चैलेंज है, और इंशाल्लाह हम ये मैच जीतेंगे और बदला लेंगे, पिछले मैच का बदला हमने लेना है, और इंशाल्लाह अच्छा करके बदला लेंगे और अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो इंशाल्लाह एशिया कप हमारा है। इनसे डर के खेलेंगे, इनके प्रेशर में आके खेलेंगे तो फिर ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ ये अगर चढ़ाई के साथ खेलें, कॉन्फिडेंस के साथ खेलें तो ये इनके साथ इनके एकदम से रह सकते हैं। टीम इंडिया का फेंटा लगाएगी कि इंडिया पाकिस्तान का दोबारा फेंटा, इस तरह इंशाल्लाह फेंटा लगाएगी, क्योंकि बाबर आजम को चाहिए इस बार प्रोग्रेस दिखाए, क्योंकि बाबर आजम पे सभी की उम्मीदें हैं। और दूसरी बात ये है कि जो क्या कहते हैं इसका नाम है,
टीम जो चल रही है ना इसी स्टेज पे चलाए ना, कि कोई चेंजिंग करे, ठीक है ना। हार का बदला कैसे लिया जाएगा जो पिछले? हम हारे कब है, हम तो उनको ऐसे ही दिखा रहे थे। ऐसे ही आपने जगावा दिया? जगावा दिया है, उनको दिखाया कि हमारी टीम है, जूनियर प्लेयर खेल रहे हैं, इंशाल्लाह ये जूनियर ही नहीं आएंगे, ठीक है। मैसेज इंडिया टीम के लिए, उनके लिए उनको डरा पड़ेगा पाकिस्तान टीम, उनको क्या है कि थोड़ा हौसला रखें, अभी घबराए नहीं, क्योंकि पहले हुई है, अभी तो हुई है। जैसे कि हमारे कप पे तो नहीं होगी फाइनल पे, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, इंडिया को कह रहे हो घबराना नहीं है, इंडिया वालों आप सुन लो कि पाकिस्तानी भाव कह रही है घबराना नहीं है, तो इंतजार है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वो जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसे उन्होंने हमारा फेंटा लगाया पहले मैच में, दूसरे मैच में हम लगाएंगे इंशाल्लाह, हम लगाएंगे बस बदला लेंगे उसका पूरा बदला लेंगे, पूरा बदला इंशाल्लाह। कैसे बदला लेंगे ये, इस परफॉर्मेंस से लेंगे जिस तरह लास्ट टाइम लिया, कि कोई तब्दीली करके लेंगे? भी कोई इतना खास नहीं था, क्रूशियल मैच हुआ था, फाइटिंग मैच हुआ था, वो तो बस किस्मत ही उन्होंने छक्का लगा दिया, वरना तो वरना तो हम मैच ले गए थे। पहली बॉल जदीदा आउट हो गया, दूसरी बॉल बीट होगी, सिंगल होगी, तीसरी बॉल बीट होगी, तो वो तो हम मैच ले गए थे। तो इस फाइट में हम बदला पूरा लेंगे, हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे कि जैसे हांगकांग से लिया, हांगकांग से हमारा क्या कौन सा बदला, हमसे ये किया है कि मैच हमने एक अपने फिटनेस दिखाई है कि हम पूरा एग्री है, हम फिटनेस में है। अब इंडिया आए या ऑस्ट्रेलिया आए, जो भी आए या श्रीलंका आए, ज्यादा हमें इंडिया पे आना है। इंडिया में आज जो है 4 तारीख को जो मैच आ रहा है, छठे गुजार कोहली की जो है ना, जो थोड़ी सी पोली बोली है, कोहली की सारी बैंड बता देनी है एक पाकिस्तान ने। हाँ जी, इतना बदला लेना है, गेम 50 मारी है, वो भी तगड़ा हो गया, वो तगड़ा नहीं हुआ जितना मर्जी, पाकिस्तान शेर है, शेर दिल है, बड़े दिल वाले हैं, ठीक है। और इंडिया में लगा के बैठे हुए हो, उम्मीदें नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान एक जिला पूरा, तो इनके साथ साथ मैच के साथ साथ हम इनकी बैंड बजाएंगे, रोहित ले आए जो मर्जी ले आए, अच्छा होगा मैच, ऐसा होगा कि वन साइड पाकिस्तान जीतेगा, वन साइड पाकिस्तान जी। बाबा जैसी जा इंडिया, जरा तेल से लगा के आए, ठीक है, अपने जो के पिनियों को, अपने पट्टों को तोड़ेंगे इंडिया वाले, तोड़ेंगे क्योंकि अब वन साइड टीम्स के लिए मैच, दोनों टीम के लिए यही मैसेज है कि अपने अपनी जो पाकिस्तानी टीम है इनके लिए मैसेज है कि ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है इंडिया के मैच में, इंडिया के लिए, और अपना बदला पूरा लेना। और इंडिया के लिए मेरे ये मैसेज है, तेल से लगा ले कोहली साहब, आपके लिए बाहर है और आपको ये मेरी फिंगर नजर आ रही है, इस तरह आपको मैच है, हम जो कि आउट होंगे और पहले नसीब से आपकी विकेट लेगा इंशाल्लाह, इंडिया को शिकस्त कल हम देंगे जिस तरह कल हांगकांग को दिया था, इंशाल्लाह कल इंडिया को भी इस तरह देंगे। कल हमारा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, और हम जीतेंगे और अच्छा खेलेंगे। कल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हांगकांग का क्या हॉल किया, इंशाल्लाह इंडिया का भी यही होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल हम जरूर जीतेंगे, हमारी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, पिछली दफा बस आगे हो गई, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। बाबर आजम से इंशाल्लाह अच्छी कप्तानी करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जरूर। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तानी जो लोग हैं और उनके जो जनता है, वो किस तरह से भारत और पाकिस्तानी मैच को लेकर एक्साइटेड तो हैं, लेकिन इस एक्साइटेड तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी आवाम जो है वो भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड तो है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इंसान को कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से उनकी बयानबाजी आ रही है कि हम कश्मीर ले लेंगे, ये ले लेंगे, भाई अपने हाथ में रहो, एक मैच है, मैच की तरह लो, और मतलब जो भी जीतेगा देखा जाएगा। इंडिया भी कोई मतलब ऐसा टीम नहीं है कि आप हांगकांग को हरा के इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहे हो कि हांगकांग को हमने इस तरह से हरा दिया तो इंडिया को भी हारत हांगकांग के जैसा करेंगे। भाई हांगकांग 20 नंबर की टीम है आईसीसी रैंक में और एक एसोसिएट मेंबर है, और इंडिया अभी 1 नंबर की टीम है T20 में, तो इस तरह का बातें मतलब शोभा नहीं देता, लेकिन पाकिस्तानियों को जरूर शोभा देता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत मतलब दुनिया में नंबर 1 है शायद, होंगे ही, क्योंकि इनकी तरह कोई बातें इतना ज़्यादा नहीं करता और बड़ी बड़ी नहीं फेंकता। लेकिन अगर देखा जाए मैच की तरफ आए तो टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि शारजा स्टेडियम में जो मतलब चेज करने को आता है वो ज़्यादातर बार जीते हैं, 6 मैच में जो ये हुआ है 4 बार ही जो चेजिंग टीम वो जीती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो शारजा स्टेडियम एक तरह से चेजिंग कम्फर्ट है उसमें, तो इंडिया को ये मैच में अगर जीतना है तो टॉस के लिए पहले टॉस जीतना पड़ेगा, और पाकिस्तान को भी अगर जीतना है तो पाकिस्तान को भी टॉस जीतना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं रोहित शर्मा लकी हैं और बहुत बार टॉस भी वो जीते हैं, पहली में भी जो भारत और पाकिस्तान का मैच होता है उसमें भी रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया था। और एक कंसर्न है कि जाडेजा हमारे जो है वो बाहर हो गए हैं, तो वो थोड़ा बहुत ये रहेगा, लेकिन अक्षर पटेल एक उनके लिए अच्छा रिप्लेसमेंट है, मैं भी सोचता हूँ कि अक्षर पटेल भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे बोथ बैट एंड बॉल में। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का ये मैच भी बहुत ज़्यादा टक्कर वाला होने वाला है, और आखिर ओवर तक अगर मैच जाएगा वो भी मज़ा आएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच की खूबी यही है, और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, थ्रिल और सस्पेंस इतना ज़्यादा रहता है आखिर ओवर तक अगर जाता है तो दोनों ही मतलब मुल्क का लोगों का जो क्रिकेट के लिए प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ता है, हालांकि जीत किसी का भी हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।